कोरोना को लेकर भले ही सावधानी और सतर्कता कम होने लगी है, लेकिन अब भी मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि जनवरी में फिर से वायरस का अटैक बढ़ सकता है। राज्य सरकार के पास की गई शिकायत में तमाम तरह की अनियमितता और भ्रष्टाचार होने का खुलासा किया गया, जिस पर राज्य मंत्री ने सुनवाई करने के बाद सभी पदाधिकारी और सदस्यों को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। आशा कर्मचारी और गट प्रवर्तकों ने जुलाई से बकाया बढ़े हुए मानधन का एरियर्स, मासिक 625 रुपए भत्ता की मांग और कुष्ठ रोग क्षय रोग के मानधन कम करने के खिलाफ में राज्यव्यापी धरना आंदोलन किया। कोतवाली थाना अंतर्गत दिनदहाड़े एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर पैदल चल रहे 55 वर्षीय एक व्यक्ति को रौंद दिया। घटना मंगलवार की दोपहर जगनाड़े चौक पर हुई। इस दर्दनाक हादसे में बगड़गंज बजरंग नगर निवासी शेष राव खापेकर की मौके पर ही मौत हो गई। खरबी परिसर में व्यापारी के प्लॉट पर अवैध तरीके से कब्जा जमा कर सेटलमेंट के लिए 68 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में फंसे भूमाफिया प्रशांत सहारे को उच्च न्यायालय से अंतिम जमानत नहीं मिली। प्रशांत की याचिका खारिज होते ही अमरिंदर सिंह उर्फ गौरव सिंह बग्गा ने अपनी याचिका वापस ले ली। कोरोना पर नियंत्रण के तमाम उपायों के तहत लोगों को मास्क की अनिवार्यता लागू की गई है। हालांकि अब बिना मास्क वाले लोगों के आंकड़े में कमी आई है, किंतु कुछ लोगों की ओर से अब भी धड़ल्ले नियम का उल्लंघन जारी है। इसलिए मनपा के उपद्रव शोध दल ने ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई जारी रखी है। स्टेशन पर मंगलवार सुबह उस समय दहशत मच गई जब लोहमार पुलिस का बम निरोधक दस्ता पहुंचा और एकाएक पूरा परिसर खाली करा दिया गया। पता चला कि दस्ते को एक लावारिस बैग की सूचना मिली जो काफी देर से पड़ा हुआ था। हालांकि करीब 45 मिनट की जांच में उक्त बैग में मिले दस्तावेज से वह एक महिला यात्री का बैग निकला। डॉक्यूमेंट से मिले मोबाइल नंबर पर कॉल कर उक्त महिला को सूचित किया गया। काटोल नगर परिषद के अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी और सदस्यों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए अलग अलग सदस्यों ने राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के पास शिकायत दर्ज की थी, जिस पर 11 नवंबर को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई का हवाला देते हुए 4 दिसंबर को राज्य मंत्री ने पूरे नगर परिषद की बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। मनपा के सर्वाधिकार के स्रोत में संपत्ति कर की वसूली के लिए भले ही हर समय स्थायी समिति सभापति की ओर से विशेष ध्यान देने की वकालत होती रही हो, लेकिन अब तक किसी भी सभापति को लक्ष्य को पार कर पाना संभव नहीं हुआ है। यदि इस वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर से होने वाली 250 करोड़ की आय जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 850 करोड़ होने की जानकारी स्थायी समिति सभापति पिंटू झलके ने दी है। मेट्रो विजन बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किए गए घोटाले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 400 से ज्यादा निवेशकों के बयान दर्ज किए हैं। कंपनी के खिलाफ शिकायत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस कंपनी की कमाई का लाभ लेने वाले लोगों से अब तक 2 करोड़ रुपए की राशि जब्त कर चुके हैं।